नमस्कार दोस्तों, आप सबके भीतर बैठी हुई माँ को, भगवान को, ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। दोस्तों, आज का विषय है पूर्वजों की शांति कैसे करें, हमें पूर्वजों का आशीर्वाद कैसे मिले। जैसे व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जैसी उसकी परिस्थिति है, जैसे उसके संचित कर्म हैं, शुभ हैं और अशुभ हैं, ज्यादातर लोगों के दोनों ही होते हैं, शुभ और अशुभ। तो जिसकी मात्रा अधिक होती है उसी के मुताबिक वो प्राण छोड़ता है। अर्थात कभी कभी मनुष्य का ध्यान जिन स्थितियों में होता है, लास्ट में जो सोच रहा होता है, कभी कभी वहीं अटका रह जाता है। जो व्यक्ति जिंदगी में सक्सेस हो करके जा रहा है, अच्छे कार्य करके जा रहा है, अपना संकल्प, अपना गोल पूरा करके जा रहा है, बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति जो उसकी इच्छाएं थी उनको पूरा करके जा रहा है, भगवान का चिंतन करते करते जा रहा है, तो व्यक्ति जो हम इस लोक में रह रहे हैं, जो जो प्लेनेट है उससे बहुत परे चला जाता है। जैसे वो परे जाता है तो वहां पे उसको लेने के लिए बहुत सी शक्तियां, बहुत से सिद्ध महापुरुष आ जाते हैं, उस व्यक्ति की हेल्प करते हैं और उसको ले जाते हैं। जो व्यक्ति ऐसी स्थितियों में नहीं जा पाता वो कभी कभी इसी दुनिया में अटका रहता है, कभी भूत बनकर, कभी प्रेत बनकर, कभी नीच योनि का बनकर, और कभी कभी इससे भी बदतर स्थिति होती है कि वो अपना शरीर छोड़ने के बाद भी उस घर से नहीं जा पाता। ऐसी परिस्थितियों में परिवार में बहुत से कष्ट आते हैं, बहुत से दुख आते हैं, क्योंकि जब प्राणी इस शरीर के साथ नहीं होता है तो बिना शरीर के भी वो बहुत ज्यादा कष्ट भोगता है। जब वो कष्ट भोगता है तो जो उससे संबंधित परिवार है वो भी कष्ट भोगता है। शास्त्र कहते हैं, कहीं कहीं अनुभव भी हुआ कि 7 पीढ़ी तक, 7 जनरेशन तक, 7th जनरेशन तक जो एक काम चलता है, आपका कोई भी पितृलोक से 7th जनरेशन तक पीड़ित है तो उसकी वजह से भी परिवार को कष्ट होता है। जैसे जैसे वो कष्ट भोगता है तो आपको भी कष्ट होता है। जो ध्यान के विद्यार्थी हैं, जो साधक हैं, कभी कभी वो बताते हैं कि हमारे कुछ ऐसी व्यक्ति सामने आया, वो कह रहा मैं बहुत दुखी हूं, मेरी मदद करो, मेरी हेल्प करो। जब उसकी गहराई में गए तो उन्होंने कहा उसकी परिचय तो मेरे परदादा के रूप में हुआ, ऐसी स्थिति लगी उनकी, ऐसी बातें थी। इसके लिए एस्ट्रोलॉजी भी बहुत हेल्प करती है, कभी कभी आपको कहती है आपको पितृ दोष है, पर जब तक इसको समझा ना जाए इसका नुकसान बहुत होता है। पर इसके बहुत से आसान से ढंग हैं जिससे बचा जा सकता है, इससे उनको भी गति प्राप्त होती है। जैसे जैसे वो उच्च गति में जाते हैं तैसे तैसे फिर हमें आशीर्वाद देते हैं। कभी कभी उनकी गति के लिए गंगा जी में जाना पड़ता है, कभी गया जी में जाना पड़ता है, गया जी में विधि होती है, कभी कभी और कितने नदियों के संगम हैं, काशी में है वहां जाना पड़ता है, वहां गति को प्राप्त होते हैं।
पर उससे दोस्तों एक बार आप पूजा करके आ गए उससे पूर्ण गति प्राप्त नहीं होती है। उससे ऐसा हो जाता है कि आपके जहां जख्म है उस जख्म पे मरम पट्टी हो गई, कष्ट कम हो गया पर कष्ट पूर्ण रूप से गया नहीं। अगर किसी घर में ऐसी परिस्थिति है, जो व्यक्ति मृत्यु लोक को प्राप्त हो चुके हैं उनकी पिक्चर घर में ना रखें, एल्बम में रखें, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर घर में आपके कोई सिद्ध पुरुष हुए हैं, आपके परिवार में कोई महापुरुष हुए हैं, तो उनकी पिक्चर रखी जा सकती है। नंबर दो, घर में उनके नाम का दीपक प्रतिदिन जलाएं। जहां पे आप पानी लेते हैं, किचन में सिंक है, वहां पे एवरी डे पितरों के नाम का एक दीपक रोज जलाएं। जब श्राद्ध आते हैं, श्राद्ध के दिन भी उनके नाम के दो दीपक जलाएं, एक तो प्रतिदिन जो जलाते हैं वो जलाएं और दूसरा दीपक जलाएं। और धीरे 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन दोनों मंत्रों का जाप करते करते ध्यान में जाएं। एवरी डे 10 मिनट के लिए उनसे प्रार्थना करें और आप देखेंगे जैसे जैसे आप प्रार्थना करने लगे हैं आपके घर का वातावरण शांत होने लगा है। कोई मुश्किल उपाय नहीं है, पर आप इस उपाय को जरूर आजमाने की कोशिश करें, इससे बहुत आपको लाभ मिलेगा। आप मन से, भावना से, फीलिंग से उनसे क्षमा मांगना, उनसे आशीर्वाद मांगना और उनके लिए प्रार्थना करना, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान के सिद्धों से प्रार्थना करना, हे देवी देवता, हे माँ भगवती, मेरे इन पितरों को मुक्ति दो, मेरे इन पितरों को मुक्ति दो, हे पितर देवता मुझ पे कृपा करो, मुझ पे कृपा करो, मुझ पे कृपा करो। ऐसे ही आप पे कृपा बनी रहे। इसी के साथ इजाजत लेता हूँ, फिर हाजिर होता हूँ।